सुबह सरकारी और निजी अस्पताल खुलेआम बीमारी फैला रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग यहां दर्शक मात्र बनकर ही देख रहा है। दरअसल अस्पताल से निकलने वाला जहरीला पानी और अन्य संक्रमित तरल पदार्थ नाले के माध्यम से कई तालाबों और नदी तक पहुंच रहे हैं, जिससे पानी के संपर्क में आने वाले लोगों को संक्रमित रोग हो रहे हैं। और इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एनजीटी के नियमानुसार अस्पताल में इस पानी को शुद्धित करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लगभग 99% हॉस्पिटल केंद्र सरकार और एनजीटी के फैसला को दरकिनारा करते हुए समाज में बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अनदेखी कितना खतरनाक हो सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एम्स अधीक्षक करण पिपरे जी हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो हॉस्पिटल से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है या पानी है, उसको सीधा बहा देना कितना खतरनाक हो सकता है हमारे समाज के लिए? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसका जो वेस्ट डिस्पोजल होता है हॉस्पिटल से जो निकला हुआ रहता है, हमारे यहाँ पे वर्तमान में हमारे अस्पताल का मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ वेस्ट डिस्पोजल की टीम है जो उसको सबको कलेक्ट करते हैं, गीला वेस्ट और सूखा वाला और ग्रीन रेड येलो वाले में इकट्ठा करके और उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं दूर ले जा करके। और रहा प्लांट उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, तो इस प्रकार की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन इतनी गंदगी हमारे एम्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं तो नहीं है, लेकिन इसका जो वॉश बेसिन से है या बाथरूम है या टॉयलेट है उसका जो जल है उसका कलेक्ट होकर के और जो मेन सीवेजेस होते हैं, जो बड़ी नालियां होती हैं, उसके द्वारा उसको भेजा जाता है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एज सच की व्यवस्था अभी नहीं है हमारे यहाँ। सर, हम ये जानना चाहेंगे, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये किसी एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, यहाँ हम चाहे निजी हॉस्पिटल की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, जो वहाँ हॉस्पिटल से निकलने वाले पानी है, जैसे कि यहाँ से कैंसर के भी मरीज आते हैं तो टीबी के भी मरीज आ रहे हैं, खतरनाक जितनी बीमारी है, संक्रमित बीमारी, ऐसे मरीज आते हैं, बरने वाले बीमारी रहते मरीज रहते हैं, तो इनके जो सफाई में पानी इस्तेमाल होता है, चाहे पैथोलॉजी का बात करें, इस पानी को डायरेक्ट अगर बिना ट्रीटमेंट करें हम बाहर छोड़ते हैं, वो कितना नुकसानदायक होता है? बहुत नुकसानदायक होता है वो पानी जो चिकित्सालय में आने वाले मरीज और उनका इलाज किया जाता है, उनका जो वेस्ट है वो यदि पानी में जाएगा या मवाद है ऑपरेशन थिएटर। ग्वालियर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा